गंगा वर्सेस मंगा। अड़ू सास और भोली बहू। एक गांव में कांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसे सारे गांव के लोग लाउडस्पीकर के नाम से बुलाते थे। कांतम्मा का बेटा काशी। कांतम्मा ने जो एक बार कह दिया, पूरा परिवार उसे शासन की तरह मान लेता था। कांतम्मा का बेटा काशी और कांतम्मा का पति गौरैया दोनों ही उसकी बात मानते थे। दिन गुजरती जा रहे थे। एक दिन कांतम्मा और गौरैया दोनों मिलकर कांतम्मा की सहेली के बेटे की शादी में जाते हैं। वहां पर विजया नाम की औरत कांतम्मा के पास आ गए, कहती है, क्या बात है, कहाँ पर हो आजकल, दिखाई नहीं दे रही हो। दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर जाकर चश्मे की दुकान से चश्मा बनवा लो। मेरे कहने का मतलब था तुम कहीं बाहर नहीं दिखाई दे रही हो। अपनी आंखें चेक करवाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? कैसे चल रहे हो भाई साहब? हाँ हाँ बस। हाँ हाँ बस, मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो? इस सीन में उनका डायलॉग बस इतना ही है और कोई डायलॉग नहीं है। तुम जैसे लाउड स्पीकर के सामने कोई बात भी कैसे कर सकता है, उनकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती होगी। क्या मेरा मुंह लाउड स्पीकर है? तुम्हारा मुंह कचरे का डब्बा है। तुम्हारा सर फट जाए, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। अगली बार कभी तुम्हें लाउड स्पीकर नहीं कहकर बुलाऊंगी। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारी बातें सुनकर उसे लड़की कौन देता? क्या क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे छोड़ दो। यहीं पर रहने का इरादा है क्या? चलो। दोनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद कांतम्मा बैठकर सोचने लगती है, मुझे फौरन ही अपने बेटे की शादी करवानी होगी। कांतम्मा सोच ही रही थी कि वहां पर गौरैया आकर बैठ जाता है। सुनिए जी। हाँ बोलो। अपने बेटे की शादी अब कर देनी चाहिए। तुम जैसा बोलो वैसा ही करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों में ऐसी लड़की को ढूंढो जो समझदार भी हो और बहुत सारा जायदाद भी हो। तुम जैसे बोलोगी हाँ वैसे ही करेंगे। कांतम्मा अपने रिश्तेदारों में और आसपास के गांव में एक समझदार, ज्यादा दहेज लाने वाली और अपनी सास की बात सुनने वाली बहू को ढूंढने लगी। एक दिन कांतम्मा गांव के पंडित को अपने घर बुलाती है। वो पंडित कांतम्मा से बहुत डरता था। मुझे क्यों बुलाया आपने, जरा बताओगे? क्या हुआ पंडित, तुम्हें बुखार है क्या, ऐसे क्यों कांप रहे हो? ये बुखार से कांपना नहीं है। तो फिर? माँ जी जरा जल्दी बताओ कि क्या आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है, उनके पास जाना है मुझे। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किस लिए? आपसे मिलने के बाद हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बताइए क्या बात है? मेरा बेटा काशी है ना? हाँ हाँ है ना, युवराज है वो तो। हाँ तो युवराज की महारानी ढूंढने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हारे बेटे के लिए लड़की? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें चंद्रमंडल में जाकर बंदर लाने के लिए कहा हो। लड़की ही तो ढूंढने के लिए कहा है मेरे बेटे के लिए। माँ जी मेरे कहने का मतलब यह था कि मेरे पास आपकी हैसियत से मिलने वाला कोई भी रिश्ता नहीं है, आप किसी और से पूछकर देखिए। रिश्ता नहीं है का क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम बहाना कर रहे हो। अगर तुमने मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें और किसी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढने दूंगी। तुम जैसी खड़ूस की बहू बनाकर मैं किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करोगी। क्या हुआ पंडित, तुम खुद से ही बातें कर रहे हो? ठीक है माँ जी, ढूंढता हूँ, अभी तो मुझे जाने दीजिए। पंडित वहां से चला जाता है। जैसे ही कांतम्मा के बेटे काशी को पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, काशी अपने कॉलेज की दोस्त जिससे वो प्यार करता था उससे शादी करके घर ले आता है। कांतम्मा हाल में बैठकर अदरक पीस रही थी।
माँ माँ। अरे अरे काशी बेटे अंदर आ जाओ। नहीं माँ, तुम ही एक बार बाहर आओ। काशी की बात सुनकर कांतम्मा उठकर वैसे की वैसे दरवाजे के पास आकर देती है। कांतम्मा वहां अपने बेटे और उसकी पत्नी को देखकर शॉक होकर खड़ी रह जाती है। उतने में अंदर से गौरैया आरती की थाली लेकर आता है, जिसे देखकर कांतम्मा अपने पति की ओर गुस्से से देखने लगती है। पहली बार आई बहू की आरती उतार कर उसे घर में दाया पैर रखकर आने के लिए कहो। मुझे पता है किसको आरती देनी है और किसको नहीं, तुम चुपचाप अंदर जाओ। ये क्या किया तुमने? आज से यह मेरी पत्नी है और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम चले जाएंगे। मेरे बेटे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो शादी करके लड़की को ले आया और मुझसे ही पूछ रहा है? क्या इस लड़की की वजह से तो नहीं? आज तो इन दोनों को अंदर आने देती हूँ, अगर 10 दिन में इस लड़की को अपना टॉर्चर दिखाकर अपने मायके नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी कांतम्मा नहीं। बेटा शादी करके बहू लेकर आया है, उन दोनों को अंदर बुलाओ। काशी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए हंसता है और दोनों गृह प्रवेश करके हंसते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर कांतम्मा सोचने लगती है। हंसले हंस, यही तेरी आखिरी हंसी होगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।